हेलो स्टूडेंट्स, हमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजी हॉस्टल वार्डन रिक्वायरमेंट्स 2023 ये छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2023 जो निकल चुकी है, आप लोग तैयारी में लगे होंगे। फॉर्म अभी 20 तारीख से भराया जाना है और आपको लग रहा होगा कि भाई हम तैयारी कैसे कर सकते हैं और तैयारी कैसे करें एग्जाम का, कि ये जो पहली बार लोक सेवा आयोग इसका एग्जाम ले रहा है, आपके पास 2 या 3 महीने होंगे और इसी बीच आपको अच्छी तैयारी करना है कि इस पोस्ट को 500 पद निकल रही है, हम इसको हासिल कर ही ले। तो क्या हमारी टेक्निक होगी, किस प्रकार हम पुस्तक पढ़े, किस प्रकार पुस्तकों का चयन करें कि हमारा जो वो है चयन है वो सुनिश्चित हो जाए कि भाई हमें एक पोस्ट मिल जाए। तो चलिए उसी चीज को मैं यहां बताने वाला हूं कि आप अगर निकलता है जो एक साथ पुस्तक दिया होता है जिसमें सारे सिलेबस को कवर करता है, वो अक्सर पुस्तक काम नहीं आती है। वो सब अधिकांश लड़के खरीद लेंगे, चाहे प्रत्युत्तर दर्पण का हो या किसी का भी विशेषांक, प्रत्युत्तर दर्पण तो हल्के निकालता नहीं है, लेकिन और भी जैसे अजय माला निकाल देता है या सतही पुस्तक जो होते हैं कोचिंग सेंटर वाले वो निकाल के रख देते हैं और आप उसको मोटा पुस्तक खरीद लेते हो और उसे पढ़ने की कोशिश करते हो, जो हमारा बहुत ज्यादा काम का नहीं रहता। तो हमें यहाँ पर डिटेल से चयन को सुनिश्चित करने के लिए बिना कोचिंग किए हम घर में कैसे तैयारी कर ले उसको देखते हुए चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कौन सी पुस्तक पढ़ना चाहिए। इससे पहले बता देना चाहता हूं कि थोड़ा सा जानकारी हल्का सा देख लेते हैं इसका सिलेबस के साथ साथ, मैं आपको पुस्तक बताऊंगा और तैयारी करने का तरीका बताऊंगा। तो यहां पर जो निकलने वाला छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा छात्रावास अधीक्षक श्रेणी दा, ये निकलने वाला 22 माने यह निकल तो चुका है इसकी भर्ती के लिए विज्ञापन, लेकिन ये जो भराया जाएगा 20/5/2023 से, ये 20/5/2023 से पूरा 8/6/2023 रात्रि तक 11:59 बजे तक आपको दे रहा है कि आप फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पर चीजों में। और सबसे बड़ी बात हो जाता है इसमें करीब 500 पद, याद रखेंगे टोटल 500 पद निकाल रहे हैं, जिसमें अनारक्षित 210 है, अनुसूचित जाति का 7, अनुसूचित जनजाति का 107 और अन्य पिछड़ा वर्ग का 70 है। सबसे बड़ी बात है पहली बार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता केवल 12वीं पास रखा गया, 10+2, और यहां पर लिखा हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए तथा कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जाएगी। कंप्यूटर प्रशिक्षित अधिमान्यता, बहुत लोग ये समझ बैठ रहे हैं कि यहां पर कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन इसमें साफ स्पष्ट कर दिया गया है अधिमान्यता का आशय है कंप्यूटर ज्ञान प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिमान्यता ज्ञान जाने का आशय है कि प्रश्न पत्र में पूछे गए कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 50 अंकों के प्रश्न में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अर्थात आपसे जो पेपर होगा उसमें 50 अंक के पेपर जो होंगे वो कंप्यूटर से होंगे, आपको कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। 50 अंक के जो पेपर होंगे 50 अंक कंप्यूटर से होंगे, 50 का 50% मैंने कम से कम आपको 25 अंकों अंक पाने ही होंगे कंप्यूटर में, और 25 अंक अगर आप पाते हैं तो वही आपकी अधिमान्यता होगी और कंप्यूटर की वही अधिमान्यता होगी और तभी आपका पूरा पेपर चेक होगा। बस इतना, किसी कंप्यूटर डिग्री नहीं मांगा है, ये अपना दिमाग पर बैठा ले पहली बात। तो इसके बाद आयु जो है 21 वर्ष से 35 वर्ष तक है, अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आपको 40 साल तक छूट देने का है, अगर आप SC ST OBC संबंधित है तो 5 वर्ष का और छूट आपको दिया जाएगा और आयु गणना जो है 1/1/2023 के संदर्भ में की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो है यहाँ पर अगर छत्तीसगढ़ के पास नहीं है तो आपसे किसी प्रकार का ऑनलाइन आपका पैसा नहीं देना होगा, आप घर बैठे घर में ही भर सकते हैं। और ये वस्तुनिष्ठ होगा, एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगा, 150 अंकों का होगा और कुल अंक 150 अंक के होंगे। इस बार साक्षात्कार भी रखा है, याद रखेंगे साक्षात्कार का अंक डिसाइड तो नहीं है, साक्षात्कार जरूर होगा। प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन, हाँ एक चीज और, प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन माइनस मार्किंग रखा गया है और कुल मिला के सूत्र के आधार पर काटा जाएगा। बस इतना तो जानने, बस ये है कि प्रत्येक गलत अंक पर 1/3 अंक आपका काट लिए जाएंगे। तो चलिए अब हम तैयारी करते हैं कि कंप्यूटर संबंधी हम किसका तैयारी करें, कंप्यूटर में कौन कौन से, मैंने पहले है 50 अंकों का
50 प्रश्न होंगे जिसमें परीक्षार्थी को 25 अंक प्राप्त करने होंगे। कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर प्रमुख भाग, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेड शीट और प्रेजेंटेशन का उपयोग, इंटरनेट का उपयोग, एंटीवायरस का उपयोग, मल्टीमीडिया का उपयोग, सीडी डीवीडी संबंधित सामान्य जानकारी, गूगल अल्टा विस्ता, यूट्यूब, ये सारे चीज इसमें पूछे जाएंगे। तो आपको एक पुस्तक बता दूं जो बहुत अच्छी पुस्तक है, वो है परीक्षा मंथन। परीक्षा मंथन की पुस्तक आता है कंप्यूटर का, आप ले सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा और बेस्ट बताया गया है कंप्यूटर संबंधी, आप इसका लेकर तैयारी कर सकते हैं। मार्केट में जाओगे और परीक्षा मंथन की पुस्तक बोलोगे तो आपको दे देगा। जहां तक व्याकरण की पुस्तक है, हिंदी व्याकरण जो है स्वर व्यंजन वर्तनी लिंग वचन काल संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया व्यवहारिक प्रयोग समास है संधि है व्याकरण अशुद्धि है शब्द रचना शब्द प्रकार तत्सम तद्भव देशज विदेशी पर्यायवाची विलोम मुहावरे लोकोक्तियां। इसके लिए एक अच्छी पुस्तक है वो है हरदेव लाल बाहरी की पुस्तक आती है, ये मार्केट में आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छे ग्रामर की पुस्तक है। इसके अलावा एक और आता वासुदेव नंदन प्रसाद, दो में से आप कोई भी ले लीजिए, हरदेव बाहरी भी ले सकते हैं, वासुदेव नंदन प्रसाद भी ले सकते हैं, दोनों में डिटेल में दिया है और बहुत अच्छा दिया है, ये पुस्तक से आप तैयारी कर सकते हैं। अंग्रेजी की बात किया जाए तो अंग्रेजी में आपका आता है नाउन है जेंडर है आर्टिकल से प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब है यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शंस है यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दिया डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया है। इसके बाद सिनोनिम्स है एंटोनिम्स है ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है स्पेलिंग्स है ये सब छोटे छोटे चीज दिए हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो आता है परफेक्ट का इंग्लिश आता है कहीं मार्केट में आपको मिल जाएगा, परफेक्ट बोलेंगे इंग्लिश ग्रामर की पुस्तक। इसके अलावा लूसेंट का भी इंग्लिश ग्रामर पुस्तक दोनों अच्छी है, इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं और अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है। गणित की बात किया जाए तो गणित में 20 अंक के प्रश्न होंगे, माने गणित में 20 अंक के प्रश्न होंगे। इससे पहले बता देना चाहूंगा अंग्रेजी में प्रश्न पत्रों में भाग 10 अंक केवल 10 अंक के अंग्रेजी होंगे और हिंदी के मैं बता देना चाहूंगा जो मैं छूट गया था ये भी हिंदी के भी 10 क्वेश्चन 10 अंक के होंगे। हिंदी के 10 क्वेश्चन 10 अंक के होंगे माने आपका अगर बात किया तो कंप्यूटर में ही आपकी बात की 50 अंक के 50 माने सबसे ज्यादा अंक दे रहा है आपको कंप्यूटर। इसके बाद 10 अंक के 10 प्रश्न होंगे ये किसका हिंदी के, इसी प्रकार आपके 10 अंकों के 10 प्रश्न होंगे अंग्रेजी के, इसी प्रकार के 20 अंकों के 20 प्रश्न होंगे गणित के, माने कंप्यूटर के बाद जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है वो गणित हो जाता है। गणित की बात कर दिया तो औसत है प्रतिशत है चाल समय एवं दूरी ये सबसे आपको देना पड़ेगा। इसमें एक पुस्तक आपको और भी है लेकिन पुस्तक बता देना चाहता हूं, यहां पर एक शारदा पब्लिकेशन की पुस्तक आती है एच डी यादव की पुस्तक आती है, बहुत अच्छी पुस्तक है, माने प्राइमरी रूप से अच्छी तैयारी कर सकते हैं इसके माध्यम से। इसके बाद सामान्य ब्याज है लाभ हानि है अनुपात अनुपात प्रतिशत जन्म मृत्यु जन्म संख्या वृद्धि हास रेखा कोण समतली आकृति क्षेत्रफल त्रिभुज आयत समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज सीमांगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इसमें भी एक और पुस्तक आता है जिसको आरएस अग्रवाल का, ये दो पुस्तक आती है लेकिन मैं आपको बोलूंगा पहली पुस्तक जो है अगर आपने आपके पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन जो शारदा पब्लिकेशन का जो आता है एच डी यादव का ये बहुत अच्छे समझाया है, मैं आपको प्राथमिकता दूंगा इस पुस्तक को आप ले ले। अगर आपके पास डॉक्टर आर एस अग्रवाल की पुस्तक है तो लेने की आवश्यकता नहीं, आप इससे ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान के पुस्तक है तो सामान्य ज्ञान के पुस्तक तो को अलग अलग चरणों का अलग अलग होता है और इसके बाद 15 क्वेश्चंस 15 अंकों के 15 प्रश्न होंगे सामान्य ज्ञान के, तो सामान्य ज्ञान से संबंधित भी होगा। अब पर्टिकुलर एक ही पुस्तक बोले सर इतना क्यों, पर एक पोस्ट अगर आपको चाहिए तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा यार यहाँ पर चीजों में। तो मैं आपको देखो भारतीय राजनीति व्यवस्था संविधान के लिए एक अच्छी पुस्तक बताऊं तो दृष्टि पब्लिकेशन का आता है भारतीय संविधान राज व्यवस्था, उसी प्रकार भारतीय इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन का जो है उससे एक पुस्तक आता है दृष्टि पब्लिकेशन का ही भारतीय इतिहास, दोनों आप भारतीय संविधान और भारतीय इतिहास मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दृष्टि पब्लिकेशन का ले लें। जहां तक भूगोल की बात किया जाता है तो एक पेरियार का आता है पेरियार, आप मार्केट में बोलेंगे पेरियार का भूगोल तो भारत का भूगोल, बहुत छोटी सी पुस्तक है बहुत अच्छा कवर किया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था का अगर बात किया जाए सामाजिक आर्थिक विकास जनसंख्या तो विशेषांक आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था प्रत्युत्तर दर्पण के विशेषांक आते हैं इसी पर पुस्तक है बोला जाए तो आप इसको लीजिए। सामान्य विज्ञान विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत जीवन गुणवत्ता के लिए विज्ञान तो मैं आपको बोलूंगा लूसेंट
लुसेंट सामान्य ज्ञान का आता है, लुसेंट सामान्य वो वाला सामान्य ज्ञान नहीं, लुसेंट का सामान्य विज्ञान का स्पेशल आता है, ध्यान रखेंगे। लुस बोलेगा आप मेरे पास सामान्य ज्ञान का तो है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य विज्ञान का लुसेंट का स्पेशल आता है, ऐसी पुस्तक का पूरा आकृति होगा, आप उसका चयन करें तो आप उसको पढ़ेंगे। हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप बोलोगे सर इसका प्राइस ज्यादा हो जाएगा, तो कुछ ज्यादा नहीं होगा, सब आप धीरे धीरे करके खरीदेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। मेरी तरफ फिर आपकी मर्जी है यार, मैं कोई पुस्तक दुकान वाला तो हूं नहीं कि मैं आपको बोलूंगा ये पुस्तक खरीद लो ये पुस्तक खरीद लो, मेरे को बेनिफिट मिलना नहीं है इस पुस्तक से आप ले तो। आपका हित है, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपका हित होता है। बहुत दिन बाद एक कोर्स निकला, फिर पता नहीं 5 साल बाद फिर निकले कि नहीं निकले, आप चाहोगे तो इसी को बना लो तो ज्यादा अच्छा है। इसके बाद आता है समसामयिक घटना, खेलकूद, देश विदेश, ये हो जाते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे लोग समसामयिक बताते रहते हैं, उसको भी आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा ये वार्षिक जो है प्रतियोगिता दर्पण के वार्षिक विशेषांक आते हैं, उसको आप ले सकते हैं तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा। 1 साल का जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, क्योंकि 15 अंक 15 प्रश्नों को पर प्रश्न, 15 अंक इसमें भी 15 प्रश्न होंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 20 अंक के 20 प्रश्न होंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ के एचआर पब्लिकेशन, हरिराम पब्लिकेशन का आता है छत्तीसगढ़ पुस्तक, अभी तो बोलूंगा तो भाई बेस्ट पुस्तक है, ये आप ले सकते हैं यहाँ पर उसमें। इसके बाद बाल मनोविज्ञान की बात किया तो 10 क्वेश्चन पूछे जाएगा बाल मनोविज्ञान से, उसमें कोई भी दुकान में जाओगे तो बाल मनोविज्ञान की कोई भी एक पुस्तक मिलती है, छोटी पतली पुस्तक आप ले सकते हैं, उससे तैयारी कर सकते हैं। और ये नहीं चाहो तो नहीं खरीदना चाहो तो बाल मनोविज्ञान को आप नेट में सर्च मारेंगे तो बाल मनोविज्ञान से संबंधित अभी बीएड वाला बहुत चल रहा है, बहुत सारे आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएंगे जिसका आप तैयारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप मेहनत करके इस एग्जाम को निकाल सकते हो, फाइट कर सकते हो। मैं बार बार बोलूंगा जो एक साथ एक पुस्तक आती है वो काम नहीं आती, उतनी ज्यादा काम नहीं आती, कि उसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दिया रहता और यहाँ पर डिटेल पूछता है, क्योंकि लोक सेवा आयोग पूछेगा तो स्टैंडर्ड तो हाई ही रहेगा, तो आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो स्टैंडर्ड हाई होनी चाहिए। अभी डेट नहीं आया है कब परीक्षा होगा, इसलिए आपको कम से कम मान कर चलिए 2-3 महीने समय मिल जाएंगे जिसमें आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।